नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सिंपलिंग में। दोस्तों, मैं आज आपको अपने 26 विंटर फ्लावर प्लांट से मिलवाऊंगी, जिनको कि मैंने इस सीजन में लगाया है और कुछ को पहले से लगे हुए हैं कुछ, तो उन सब से आपको मैं मिलवाऊंगी जो कि विंटर में फूल देते हैं और वो पूरे के पूरे 26 हैं। ज़्यादा नहीं है लेकिन कम भी नहीं है, तो सारे के सारे दोस्तों मैंने खुद से लगाए हैं। तो ओवरव्यू के लिए कमेंट आ रहे थे, तो ओवरव्यू तो मैं आपको भी क्या दिखाऊंगी, ओवरव्यू भी एक दिखा दूंगी मेरे गार्डन का जो ओवरव्यू है। लेकिन 26 फ्लावर प्लांट को मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी जो कि मेरे टेरेस पे खूब खिले हैं इस बार। लेकिन अभी कुछ कुछ हैं जो कि खिलने बाकी हैं, जिनको कि अभी मैंने लगाया हुआ है, तो शुरुआत में कर रही हूँ। ये देखिए कलनचोई से, ये है कलनचोई की वेराइटी, देसी वाली वेराइटी है और बहुत अच्छा ब्लूम कर रही है, बहुत ही बढ़िया। छोटे से पॉट में लगी हुई है, ये देखिए कितना छोटा सा पॉट है, कोई बहुत बड़ा पॉट नहीं है। और ये देखिए, ये जो है ये तो कटिंग से लगाया था मैंने, बहुत अच्छा है ये। मैं इससे शुरुआत कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये प्लांट बहुत पसंद है, इसलिए मैं इससे ही शुरुआत कर रही हूँ। ये प्लांट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये देखिए बहुत अच्छा ब्लूम कर रहा है। तो ये कलनचोई की तो देसी वाली वेराइटी है, और दूसरी है ये वाली है, ये देखिए। इसको जो है ना, इसको मैंने यहाँ पे ऐसे शेड पे रखा हुआ है क्योंकि इसके इसके फूल जो है ना वो हो रहे थे ऐसे, रेड हो रहे थे, मुरझा से रहते, तो इसको मैंने यहाँ पे ऐसे भी शेड में रखा हुआ है। ये दूसरा मतलब ये भी कलनचोई है, ये देखिए कितनी अच्छी इसकी बर्फ भरी हुई है। सेकेंड नंबर दोस्तों बेगोनिया, ये देखिए ये है, ये जो है बेगोनिया, इसकी पत्तियाँ बहुत सुंदर होती हैं। ये भी कटिंग से लगता है, इसमें भी सीड से भी ये ग्रो मतलब ग्रो हो जाता है, लेकिन कटिंग से ये ज़्यादा अच्छे तरीके से लगता है। इसमें बस आप पानी कम दें, और किसी ने इसके लिए पूछा था तो मैं आपको बता दे रही हूँ, इसको इसमें पानी आप कम दें और इसको बहुत ज़्यादा तेज़ सनलाइट में ना रखें। मैं अभी इस साइड में जहाँ पर मैंने रखा हुआ है वहाँ पर अब बस 2-3 घंटे सनलाइट आती है, उसके बाद नहीं रहती, उसके बाद इसको आप पार्शियल शेड में रखें। तो ये हो गया बेगोनिया, दूसरा नंबर हो गया। और इस सीज़न में मैंने देखी लगाया था अजेलिया, अजेलिया में बहुत अच्छा, इसने भी बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। मैं आपको अपडेट्स भी देती जा रही हूँ, ये देखिए इसमें भी, ये देखिए इसके लिए बड़ा कंफ्यूजन था कि इसको उसमें मिट्टी में लगाना है कि नहीं लगाना है, उसके लिए फिर मैंने दो वीडियो अलग से बना दिए थे। ये देखिए इसमें बर्ड्स आ रहे हैं अभी भी, तो इसको भी सनलाइट में नहीं रखा है, जैसे अभी इस समय मैं आपको दिखा रही हूँ ना, यहाँ बस आ गई, अब इसके बाद सनलाइट नहीं आएगी। और मतलब यहाँ का टाइम बता दूँ आपको, ऐसे बस 11-12 बजे के बाद यहाँ इस जगह पर सनलाइट नहीं आती है। तीसरा प्लांट मैंने अभी ये 2-3 दिन पहले ही लगाया हुआ है, ये देखिए सिनेरेरिया है, बस इसमें भी इससे भी इधर से सनलाइट अब जाने वाली है केवल। तो ये सिनेरेरिया में बहुत अच्छी, देखिए इसमें सब में बर्ड्स ऐसे खुल गई, और ये सीड से ग्रो हो जाता है, ये सीड से होता है। और फिफ्थ नंबर पे देखिए दोस्तों, मैंने ये विंटर का प्लांट है, ये इम्पेशेंट है, ये भी कई कलर्स में आता है, और इसमें इसका वीडियो बनाया नहीं है मैंने, ये देखिए इसमें कई कलर आते हैं, मेरा तो ये वाइट वाला है। इसको भी बहुत तेज़ धूप नहीं चाहिए, तब इसीलिए मैंने ये सारे प्लांट्स जो है ना मेरे, मैंने आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा इधर रख दिया, लेकिन ये धूप में अब नहीं इनको ज़्यादा चाहिए धूप। सिक्स्थ है दोस्तों, ये देखिए ये मार्गरेट डेजी, ये बहुत ही ईजली, बहुत ही हार्डी प्लांट है और ये बहुत ही आसानी से सीड से ग्रो हो जाता है। तो ये बहुत खिले हैं, बहुत ज़्यादा खिले हैं, मैंने आपको दिखाया है कई वीडियो में दिखाया है, और बहुत ही, ये देखिए छोटे छोटे से पॉट्स में, प्लास्टिक के पॉट्स में बहुत ईजली ये खिल जाते हैं। तो ये तो मार्गरेट डेजी है, बहुत है, ये दिख रहे हैं एक ही मतलब एक प्लांट है, कितना इसमें फूल खिला हुआ है। तो ये हो गया सेवन्थ, ये देखिए ये मैंने ग्रो किया है नेस्टेशियम, इसको आप सीड से बहुत ईजली ग्रो कर सकते हैं और इसको आप मतलब बास्केट में भी लगा सकते हैं, ये हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत अच्छा होता है, एडेबल प्लांट होता है, इसके फ्लावर्स और ये लीव्स वीव्स सब इनको जो है ये खाई जाती है, ये बहुत ही अच्छा प्लांट होता है ये। तो सेवन्थ नंबर पर हो गया नेस्टेशियम। एट्थ नंबर पर बहुत ही कॉमन प्लांट है ये, बहुत ही अच्छा कैलेंडुला, और बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला कम केयर का प्लांट है, और आप देखिए कितनी अच्छी इसमें ब्लूमिंग हो रही है। तो ये भी मैंने इस सीज़न में ही ग्रो किया है और सीड से ग्रो हो जाता है ये सब के सब ना। आप
अक्टूबर में करिए ग्रो, सबसे अच्छा टाइम अब यही रहता है। एक बार बारिश वारिश पूरी खत्म हो जाए फिर ग्रो करिए। इनके सीड से कुछ नहीं होता है, इनके पीछे ही सब सीड्स होते हैं, इनके ड्राई फूल जो होते हैं ना। जैसे अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ना, तो यहाँ पे थोड़े टाइम पे बस थोड़े थोड़े से प्लांट्स इसके निकल आएंगे। तो ये हो गया कैलेंडुला। 9th पे है देखिए दोस्तों, ये स्नैप ड्रैगन डॉग फ्लावर सीड्स से। ये वाला तो मैंने, जैसे कि ये वाला प्लांट मैंने खरीदा था, और इसके अलावा मैंने सीड से भी ग्रो किया हुआ है, वो दिखाती हूँ। ये देखिए, ये वाला जो है ना, मैंने सीड से किया हुआ था, और इसमें बर्ड्स अब आ रही हैं, बहुत टाइम तक आएंगे इसमें। अप्रैल तक तो फूल बहुत खिलते हैं, उसके बाद थोड़ा सा इनको, इनकी जो जगह है ना, चेंज कर देंगे, तो ये चलते रहते हैं, ये जल्दी ख़राब नहीं होते। मेरे लास्ट ईयर के ये वाले जो है ना, ये थोड़े लंबे वाली वेराइटी के हैं, इसमें डॉग वेराइटी का रहता है, तो डॉग वेराइटी वाला ये वाला है। ये छोटा है, जैसे इसकी हाइट कम रहती है, यहीं पे सब इसके सीड्स बहुत नन्हे नन्हे से, जैसे कि पेटोनिया के सीड्स रहते हैं उसी तरीके से बहुत छोटे छोटे से सीड्स यहीं पे रहते हैं। इस जगह पे पीछे बनेगा, मैं आपको फिर दिखा दूँगी। तो ये सब विंटर के प्लांट हो गए। ये सीड से बहुत अच्छा खिलता है, इसके अलावा पेटोनिया बहुत सीड से बहुत अच्छे खिलते हैं। तो ये पेटोनिया कौन से नंबर का हो गया, ये देखिए, ये जैसे पेटोनिया है, ये भी बहुत टाइम तक अभी खिलेगा, ये पूरा मार्च अप्रैल तक बहुत अच्छे तरीके से खिलता है, और काफ़ी खिल रहे हैं ये। मैंने इसकी सब मिट्टी विट्टी चेंज की थी, खूब खिल रहे हैं ये भी, और दिखाती हूँ, बहुत सारे हैं। ये देखिए, ये कलर कितना अच्छा लग रहा है, वाइट एंड रेड। तो इसमें भी सीड पॉट अभी नहीं बनने दीजिएगा, अभी इसके बस पिंचिंग, यहाँ से इसके जैसे जो भी फूल फेड हो जाते हैं ना, मुरझा जाते हैं, उनको हटाते रहिए, तो आपके बहुत टाइम तक फूल खिले रहेंगे। ऐसे पेटोनिया की जो है, ये वाली जो वैरायटी आपको मैं दिखा रही हूँ, ये वैरायटी है देसी वाली। देसी वाली वैरायटी का जो है, ये समर में बड़ी अच्छी खिलती है। मैं आपको अभी इसका वीडियो बना दूँगी, ये समर के लिए अच्छी रहती है। ये देखिए, इसको मैंने इसको थोड़ा अलग करके रख दिया, क्योंकि इसमें क्या हो रहा था कि बहुत टाइम से निकला हुआ था, मेरे पुराने सीड से ही ग्रो किया हुआ है। ये देखिए, इसके जो है ना, ये बहुत बारीक बारीक से सीड्स हैं, यहाँ बहुत ही बारीक से, तो होता क्या है, ये अपने आप खुल रहे थे, और खुल खुल के ये सारे गिरते जा रहे थे, और इतने प्लांट निकल आए हैं पेटूनिया के, ये सेल्फ सीड, मतलब अपने आप इसके सीड बन जाते हैं, बहुत बहुत ही आसान वाला है ये। 11th है दोस्तों पेंजी। पेंजी में भी कई कलर के वेराइटी आती है, ये भी विंटर का ही प्लांट है, और इसके भी जो सीड्स है, इसको भी आप सीड से बड़ी इजीली ग्रो कर सकते हैं। विंटर के जितने भी फूल होते हैं ना, जो सीजनल प्लांट होते हैं, उनको सीड से ग्रो करना ज़्यादा आसान होता है, और जो परमानेंट होते हैं उनको कटिंग से ग्रो करना, इस टाइम जैसे फरवरी का टाइम है, आप कटिंग से बहुत अच्छी से जो भी प्लांट ग्रो करना चाहें वो कटिंग से ग्रो कर लीजिए। तो ये हो गया पेंजी, 11th पेंजी, और 12th नंबर पे डेंथस को भी, डेंथस को तो सीड से भी आप ग्रो कर सकते हैं, इसका वीडियो मैंने अभी कल ही बना के बताया हुआ है कि इसको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, और इसको आप कटिंग से भी लगा सकते हो, इसको यहाँ से इसके सकर्स निकाल के इधर साइड से इससे भी ग्रो कर सकते हैं। तो इसके बाद देखिए, मैं आपको गुलदाउदी बता रही हूँ। गुलदाउदी को मैंने यहाँ पे सबको कट करके शेड में ऐसे रख दिया है, और इसमें कई बार जब थोड़ी बहुत धूप ऊप पड़ती है तो इसमें और भी फिर से अप्रैल तक भी एक बार फ्लावरिंग हो जाती है, लेकिन मैंने, मेरे को इतना नहीं टाइम मिलता है कि मैं इसको एक बार अब ज़्यादा केयर कर पाऊँ, इसलिए मैंने इसको उठा के यहाँ पे रख दिया है। अब ये ऐसे यहाँ पे सुरक्षित रहेगा, इसके ऊपर धूप नहीं पड़नी है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, अगर एक बार बर्ड बनने लग गई तो इसमें ब्लैक ब्लैक एफिड्स होंगे, तो वो आप एक बार अच्छे तरीके से नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिएगा, क्योंकि इस पर एफिड्स बनेंगे ज़रूर। जिन लोगों ने भी ना मेरा पुराना वीडियो देखा होगा, गुलदाउदी का बहुत बहुत फूल निकले थे, तो इस समय मैं आपको बस दिखाने लगी कि गुलदाउदी भी विंटर का तो बेस्ट प्लांट है, और ज़्यादा सर्दियों में ही खिलता है। ये अभी जो खिलने वाले फूल हैं वो हमारे यहाँ देखिए, ये है जैसे डहेलिया है, डहेलिया देखिए कितना अच्छा खिल रहा है, और ये वाला तो जैसे कि डबल वाला है, और ये वाला है, ये सिंगल है, दोनों ही बल्ब से और सीड से इस ग्रो हो जाते हैं, और इसके जो, ये जैसे कि इसके जो सीड्स वो होंगे ना, बल्ब्स होंगे, ट्यूबर्स होंगे, वो बिल्कुल आलू की तरीके से इसके भी होंगे, दोनों के ही होंगे, मतलब सिंगल वाले के भी और डबल वाले के भी, दोनों के ही होंगे। तो ये देखिए, इसकी मैंने पिंचिंग कर दी थी, तो इसके भी जो है ना, चारों दिशाओं में एक इधर से
और एक इधर से और एक इधर से और यहाँ से, इसकी चार ब्रांचेस ऐसे निकल आई और चार ब्रांचों में भी ये इधर से भी कई कई जगह से इसके फूल निकल रहे हैं। थोड़ा सा लाइट बड़ी वैसी पड़ रही है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 15th नंबर पे है एस्टर। एस्टर जो है ये देखिए, ये भी सीड से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है, बड़ा अच्छा प्लांट रहता है और इसको आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। आप जैसे आपके यहाँ लोकल मार्केट में ना छोटी छोटी सी पौध अगर मिलती हो तो आप इसको पौध से भी ग्रो कर सकते हैं। इसको मैंने पौध से ही ग्रो किया है। तो होता क्या है, जैसे पौध से करने पे इतने सारे, ये देखिए यहाँ सारे के सारे ना एक ही कलर के फूल हो गए। जब हम, हालांकि सीड से भी कई बार नहीं समझ में आता है, इसमें पर्पल कलर भी आता है। तो ये हो गया मेरा एस्टर। और 16 नंबर पे देखिए, ये हेलीक्राइसम है, हेलीक्राइसम पेपर फ्लावर स्टॉक फ्लावर ये है। ये कई कलर में आते हैं, ये तो जैसे येलो कलर है, इसमें बड़ा बहुत सुंदर सुंदर से कलर आते हैं। तो इसको भी आप ग्रो कर सकते हैं, बड़ा अच्छा प्लांट है ये हेलीक्राइसम। 17th नंबर पे है वर्बीना। वर्बीना देखिए, बहुत दिन तक इसमें फ्लावरिंग होती रहेगी, बस आप लोग पानी बहुत ज़्यादा नहीं दीजिए। ये देखिए, एक बार सब में फूल निकल चुके थे, अब ये फिर से दोबारा से इसमें आ रहे हैं और बहुत अच्छी इसकी बर्ड्स आ रही हैं। 18th नंबर मैरीगोल्ड। ये वाला मैरीगोल्ड जो है अभी मैंने लगाया है, ये जाफरी वाला है ना, तो ये तो अभी लगाया है और एक हो गया ना, और ये वाले जो हैं वो बड़े साइज़ के जो होते हैं मैक्सिकन, तो इसमें अब फिर से जैसे बर्ड आ रही है। एक बार मैं इसका वीडियो बना के आपको दिखा चुकी हूँ, तो इसमें फिर से आ रही है इस तरीके से बर्ड्स। 19th है गजानिया। गजानिया भी, गजानिया में फ्लावरिंग बहुत दिनों तक होगी, बस इसमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं दीजिएगा और बड़ा अच्छा प्लांट है ये, बहुत ही बढ़िया। इसमें फूल इस समय नहीं है, बर्ड्स आ रही है। मैं दिखा चुकी हूँ कई बार इसके फूल्स फ्लावर्स जो है आपको, इधर दिखा हाथ से ना एकदम मोबाइल गिर गया, क्योंकि धूप इतनी तेज हो रही है ना, कुछ सब दिख भी नहीं रहा ठीक से। ये देखिए, इधर से बर्ड्स आ रही हैं। ये है एक, तो ये वाला है और इधर ये वाला रेड वाला है। तो गया 19th 20 है दोस्तों ये जेरेनियम। जेरेनियम अभी मैंने थोड़ा लेट लगाया है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, वीडियो भी नहीं बनाया मैंने, तो इसमें भी अब बर्डिंग शुरू हो रही है। तो हो गया ये जेरेनियम। इसके बाद बहुत लोगों का फेवरेट गुलाब रोज़, काफ़ी लोग इसको पसंद करते हैं। तो ये तो येलो है, कई गुलाब मैंने लगाए हैं और ये देखिए ये तो मैंने कटिंग ही लगाई थी, तो ये वाला कटिंग की एक्चुअली में तो रिपोर्ट किया था। ये देखिए, ये दो लगा दी थी, इतनी जगह नहीं थी, मैं बस बहुत प्लांट बन गए थे और ये एक और कटिंग, काफ़ी कटिंग तैयार हो गई थी। तो ये तो गुलाब की कटिंग है, ये देसी वाले गुलाब हैं और इसमें फूल अभी नहीं है, ये बढ़ा रही है। के बाद गुलाब कई लगाए और जो जो मैंने आपको दिखाए ना, कई दिखाए थे, एक ऑरेंज वाला, एक रॉक एंड रोल, वो सारे की मतलब देखिए ग्रोथ, ये सब नई ग्रोथ है। ये जितनी भी नई पत्तियाँ देख रहे हैं ना, ये सब नई नई हैं। इधर है और इधर है, कई हैं, सब सही चल रहा है, मतलब सबका हाल चाल ठीक है। 22 जो हो गया, ये देखिए, ये सब फ्लॉक्स है, बहुत अच्छी इसकी भी ब्लूमिंग हो रही है। ये देखिए, और ये सीड से लग जाते हैं, ये देखने में आपको लग रहे होंगे जैसे कि विनका की तरीके से लग रहे होंगे, पर ये विनका नहीं है। इनकी सीड्स देखिए, इनके सीड्स अलग तरीके के हैं, ऐसे हैं, और ये फ्लॉक्स है ठीक है। अब 23rd मैंने लगाया, ये देखिए आइस प्लांट, ये देखिए इसमें भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। तो ये भी सीड से लगते हैं और बहुत अच्छे लग रहे हैं ये, काफ़ी अभी खिल जाएंगे पूरे के पूरे। तो 24 कॉस्मस, ये विंटर कॉस्मस है। विंटर कॉस्मस जो है वो इस तरीके से होता है, इनके फूल विंटर में ही अच्छे आते हैं और इनमें सीड पॉट्स अब बने लगे हैं। तो ये हो गया विंटर कॉस्मस। 24 ये देखिए, ये विनका है, ये भी सीड से बहुत आसानी से लग जाते हैं। चाहे आप ये वाला लगाइए, चाहे आप अपना जो देसी वैरायटी वाला आता है वो लगा लीजिए। और 25 नंबर वाला जो मेरा प्लांट है फूल का, जो विंटर का मैंने लगाया है, जो सीजनल प्लांट है, हालांकि ये चल जाता है अगर इसको चला लिया जाए तो,
ये है हॉली हॉक, और इसमें ये देखिए बर्ड्स देखिए कितनी अच्छी आ रही हैं, बहुत अच्छा आ रहा है ये, इसमें काफ़ी अच्छी बडिंग हो रही है। तो ये मैंने कई प्लांट लगाए हैं, पर चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको सीड से लगा सकते हैं बहुत आसानी से, इसके फूल बड़े सुंदर सुंदर से बड़े बड़े कई कलर के होते हैं, ये देखिए। अब आपको मैं ये एक प्लांट और दिखाती हूँ, अब आप सोचेंगे क्या दिखा रही हैं। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, यही तो मेरा ओवरव्यू है, यही मेरा ओवरव्यू है, क्योंकि मेरी गार्डनिंग खुद से होती है, मैं खुद ही करती हूँ, तो भैया इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं सजा संवार सकूँ अपने गार्डन को। तो मेरा जो आखिरी वाला प्लांट जो मैंने लगाया था, लगाए तो बहुत सारे हैं, मैं सब नहीं आपको दिखा रही हूँ, जिनके रिजल्ट्स मुझे मिले, मतलब जिसको मैं अच्छे से कर पाई दिखा पाई। ये देखिए ये बल्ब्स हैं मैंने निकाले हुए हैं, मुझे सब गमले वमले खाली करने थे, यही तो ओवरव्यू है, असली में तो मेरा यही ओवरव्यू है। तो ये है उसके ग्लैडोलियस के बल्ब्स हैं, ये है बहुत सुंदर फूल इसका निकल के आया था, मैंने काफ़ी इसके वीडियो वीडियो बनाए थे, पिक्चर भी दिखाई थी आप लोगों को। ये देखिए इसके बस ये हैं इसके बल्ब्स हैं, तो हॉली हॉक का ये भी मैंने लगाया था, तो इसके बल्ब्स आप लगा सकते हैं, इसके फूल ग्लैडियोलस के, यही सब ये देखिए यही सब पत्तियाँ वत्तियाँ सब निकाली थी मैंने। तो भैया काम बहुत होता है गार्डन में, वो फरवरी में तो बहुत ही ज़्यादा होता है, सबसे बड़ा काम तो देखिए दोस्तों ना, सारे प्लांट्स को खाद देना होता है, रिपोर्टिंग करना होता है। ये देख रहे हैं ये मैंने सीड्स डाले थे, कितने छोटे छोटे से सीडलिंग्स तैयार हो गए। तो मेरे गार्डन में ना दोस्तों, आपको कोई चीज़ बहुत ही सजी हुई सी सवरी हुई सी ब्यूटीफुल गार्डन है ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, बस हेल्दी प्लांट्स मिलेंगे, फूल ढेर सारे मिलेंगे। ये देखिए ये नई पत्ती है, नया गुलाब, नया फूल, सब कुछ नया नया है। तो यही है, मैं अपनी गार्डनिंग खुद से करती हूँ, तो इसलिए सारा कुछ ज़्यादा मैं इसको मेंटेन और बहुत ज़्यादा सजा संवार के नहीं रख पाती, क्योंकि दोस्तों मेरे ये तो ऊपर के सब टेरेस के सारे प्लांट्स हैं, अभी तो बहुत सारे प्लांट्स ग्राउंड फ्लोर पे रखे हैं, वो तो सब उन सबको मुझे ही देखना होता है। तो बस यही है, आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, और नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक करिएगा, बिल्कुल करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर थोड़ा सा पसंद आया हो। ये देखिए ये मैंने पोइनसेटिया का प्लांट लगाया था, और आपको भी मैं बोल रही हूँ, अगर आपने आपके पास पोइनसेटिया का प्लांट लगा हुआ है तो आप इसको बिल्कुल अंदर रख दीजिए। ये दिख रहे हैं इसकी, ये देखिए बिल्कुल न्यू पत्ती है, और एकदम सब कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। क्या होता है ना, जब हम खुद से गार्डनिंग करते हैं ना, तो ये संतुष्टि और सेटिस्फेक्शन ना ये खुद से ही होता है, वो किसी और से नहीं, मुझे नहीं, मुझे अच्छा लगता है ये सब करना, इसलिए मैं करती हूँ, बस यही है। चलिए बहुत बोल लिया, बाय, थैंक यू।